हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि जो मेन लाइन स्ट्रीम जो मीडिया है उसमें ये बातें फैल रही है कि जो बीपीएससी एमबीआई है उसमें एक ही कक्षा में बैठे 28 में से 24 सफल हो गए। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पीआईएल फाइल किया गया है, ओके, तो उसके बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद हम पूरे डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे और क्या सच्चाई है, और साथ ही स्टूडेंट्स को भी बताएंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा आप लोगों के ऊपर, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं और जो कैंडिडेट ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो विनोद कुमार के द्वारा फाइल किया गया है, ओके, पीआईएल, जिसमें पेटिशनर एडवोकेट है रीतिका रानी, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि जो रिस्पोंडेंट है उसमें आप चीज एक कॉमन देख सकते हैं, सुजीता कुमारी, उर्विजा भावना अग्रवाल, मनीषा कुमारी, पूजा राज, ओके। तो यहाँ पे जो सारे नाम है आपको कुछ कॉमन इसमें दिख रहा होगा, ये सारी कैंडिडेट्स फीमेल है, ओके। फीमेल कैंडिडेट्स टोटल 28 जो कैंडिडेट्स हैं वो फीमेल है। तो अब आपको समझ में आएगा कि क्या इसके पीछे जो लॉजिक दिया गया है यहाँ पे, जो आप न्यूज में देख रहे हैं कि एक ही कक्षा में बैठे 28 में से 24 सफल। तो ये जो 24 सफल हुए हैं ये सारी कैंडिडेट्स फीमेल है, मीन्स सारी फीमेल कैंडिडेट्स 24 जो सफल की बात करेगी, एक ही कक्षा में 28 छात्र में से 24 सफल हुए, वो 28 टोटल एक ही रूम में थे जो कि सारी फीमेल कैंडिडेट्स थे, और 24 फीमेल कैंडिडेट्स सफल हुए हैं। और यहाँ पे आप जैसा कि देख भी सकते हैं, यहाँ पे पीआईएल फाइल किया गया, ये 24 गर्ल्स है, और भी लोग हैं जो कि आगे में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, ये सब चीजें। तो और यहाँ सुजीता कुमारी से लेके यहाँ आप देख सकते हैं अनुपम चावी करके नाम लिखा हुआ है, अंजलि सिन्हा, हर्षिका सिन्हा, पूजा कुमारी, ओके। तो ये सब नाम जो आप देख सकते हैं, तो आपके इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों ये 24 गर्ल्स सेलेक्ट हो गई 28 में से? तो बीपीएससी ने एक रिक्रूटमेंट के लिए निकाला था, ओके, जो कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का। इसमें जो टोटल सीट थे वो 90 थे, टोटल सीट 90 थे, और जो रिजर्वेशन के बाद जो गर्ल्स कैंडिडेट का जो रिजर्व सीट था वो 22 था, ओके, 22 सीट रिजर्व था गर्ल्स के लिए, ओके। टोटल गर्ल्स जिन्होंने फॉर्म को फिल किया था वो 41, टोटल फॉर्म गर्ल्स के द्वारा, ओके, गर्ल्स के द्वारा वो था 41। क्यों इसमें इतने कम कैंडिडेट, गर्ल्स कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया? इवन इसमें टोटल फॉर्म ही फिल कम हुआ था, इसमें कंडीशन ये था कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल और डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल होना चाहिए, और इसमें एक चीज और था, नेसेसरी था कि ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते थे। तो गर्ल्स कैंडिडेट ऑलरेडी फॉर्म डीएल बनवाती नहीं है, और जिन लोगों के पास डीएल था उन्हीं लोगों ने फॉर्म को फिल किया। आई थिंक बहुत सारे लोगों का डीएल नहीं होगा, जिसके कारण आई थिंक टोटल एग्जाम में अपीयर हुए मात्र 22 सीट है गर्ल्स के लिए रिजर्व, और 28 लोग, मतलब 28 गर्ल्स कैंडिडेट ही अपीयर हुए एग्जाम में, और टोटल जो डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट आपका काउंसलिंग था, जो इंटरव्यू था, उसके लिए 2.5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, जिसमें से 22 का 2.5 गुना से कम ही लोग एग्जाम में अपीयर हुई थी, ओके। और इसमें एक चीज और था कि मिनिमम आपको एग्जामिनेशन में मिनिमम मार्क्स लाने थे, कुछ 30% 32% इस तरह के मार्क्स थे, तो वो मार्क्स जिन लोगों ने लाए उन लोगों का कॉल हुआ। तो टोटल 24 गर्ल्स को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीजें क्लियर है इसमें कोई, और ये जो 28 गर्ल्स थी एक ही क्लासरूम में थी, टोटल आप सीट देख सकते हैं, टोटल सीट गर्ल्स का 22 था, 41 गर्ल्स ही अपीयर फॉर्म को फिल किए एग्जाम में, 28 गर्ल्स ही अपीयर हुई, और टोटल ये इंटरव्यू के लिए आपको 24 को बुलाया गया। तो इसमें कोई भी तरह का ऐसा कुछ धांधली का कुछ ये नहीं दिख रहा है, ओके। तो ये चीजें
फाइल किया गया है विनोद कुमार के द्वारा, ओके, जो कि क्लियर हो जाएगा जल्दी ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि 75, 77, 78 ये सब एक साथ मतलब रेगुलर रोल नंबर है, क्योंकि ये लोग एक ही क्लासरूम में बैठी हुई थी गर्ल्स और बहुत ही कम सीट, जैसा कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो अब मैं बात करूंगा कि जो इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं स्टूडेंट्स, उनको इस जो PIL दर्ज हुआ है उससे क्या असर हो सकता है और उन लोगों को क्या करना होगा। तो मैं एक केस के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक केस है, ओके, मैं इस केस को पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बस बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक केस है रामबाबू आजाद के द्वारा फाइल किया गया था, रिस्पोंडेंट इसमें थे स्टेट ऑफ बिहार, ओके, इसमें 9 जनवरी 2020 को फाइलिंग किया गया था और इसका एक्शन मतलब डिस्पोज हो गया, इसका रिजल्ट आ गया है 7 दिसंबर 2021 को, 2020 से 2021 जनवरी से दिसंबर, मतलब 2 साल लग गए इनको इस केस को डिस्पोज होने में। और ये जो केस था, ये केस में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से क्लियर थी और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे इसमें वो अपने तरफ से सही थे। फिर भी ये केस जो स्टेट ऑफ बिहार के जो वकील थे, एडवोकेट थे, वो अपने बात को अच्छे तरीके से नहीं रखे, जिसके कारण ये केस को फैसला जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आया वो रामबाबू आजाद की तरफ से गया, मतलब रामबाबू आजाद के फेवर में ये रिजल्ट गया, क्योंकि जो बात रखनी थी बात को रखा नहीं गया था एडवोकेट के द्वारा। इसमें पेटिशनर जो एडवोकेट थे वो थी रीतिका रानी, ओके, तो गवर्नमेंट इसमें अपने तरफ से आश्वस्त थी, तो फिर से इस चीज को सरकार के जो रिजल्ट आए 7 दिसंबर 2021, तो सरकार फिर से LPA में गई, मतलब सिंगल पीट से डबल पीट में गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेटिशनर स्टेट ऑफ बिहार है और रिस्पोंडेंट इस केस में राम बाबू आजाद है, और 11 जनवरी 2022 को फाइल किया गया। ये चीजें ऑलरेडी हो जानी चाहिए थी, क्लियर होना चाहिए, और ये सारी चीजें पता है स्टूडेंट्स को, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी पता है कि सारी चीजें ठीक है, फिर भी 2 साल से ये लोग वेट कर रहे हैं इस रिक्रूटमेंट को पूरा होने के लिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेटिशनर जो एडवोकेट है मनीष धारी सिंह, ओके, और रिस्पोंडेंट एडवोकेट है रीतिका रानी। तो ये जो LPA में गई 13, जो स्टेट गवर्नमेंट गई है पेटिशनर है और रिस्पोंडेंट राम बाबू आजाद है 31 मार्च 2022। इसमें ज्यादा चीजें नहीं हुई, लास्ट में सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने LPA 39 मीन्स सरकार ने भी ऑलरेडी फाइल किया, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी फाइल किया LPA 39 LPA, ओके, 39/2022 ये नंबर है उनका, ओके, तो ये रिस्पोंडेंट यहाँ पे स्टेट ऑफ बिहार है, और साथ में आप रिस्पोंडेंट यहाँ पे बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने रिस्पोंडेंट हैं, रिस्पोंडेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे राम बाबू आजाद भी हैं, ओके, मींस कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ साथ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने जब LPA में गए तो इस पे काम होना शुरू हुआ, इन लोग ने मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मींस कि इन्वॉल्वमेंट रहे और आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, तो ये लोग बहुत ही मतलब एक्टिव रहे। तो आगे ये केस आज ही इनका सुनवाई मतलब आज इनका तो लिस्टिंग नहीं हो पाया, लेकिन आज ही का डेट था, आप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 सितंबर 2022, ओके, तो आप लोगों के केस में जो बात है आप लोग का जो है इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत पॉजिटिव है कि और बहुत जल्दी वो लोग चाह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट हो जाए, तो आप लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी बात कर सकते हैं, वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो भी चीज़ है आप लोग सही हो, बट हमें इस चीज़ का डर लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं झूठ, यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, फिर भी 2 साल से ये लोग अभी सिंगल बेंच में हारे, अब डबल बेंच में दोनों गए हैं, रिजल्ट अब पॉजिटिव न्यूज है, जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी 2 साल का वेट करना पड़ा। आप लोग भी सही हैं, सभी जगह से क्लियर है, फिर भी हो सकता है डिले हो जाए, इसलिए आप लोग समझदार है, क्या करना होगा, क्या एक्शन लेना है, आप लोग इस पर एक्शन जरूर लें और बात करें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, आपको हेल्प मिल जाएगा, वहां से कुछ लोग मिले निकले घर से ताकि इस पर काम हो सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।